हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माधवी क्रिएटिव कॉर्नर। जैसा कि दिवाली पास में आ गई है तो सभी घरों में दिवाली की सफाई हो चुकी है और कई घरों में अभी चल भी रही होगी। तो जब भी हम दिवाली की सफाई करते हैं तो बहुत सारा उसमें कबाड़ा निकलता है, तो हम कुछ तो फेंक देते हैं, कुछ संभाल के रख लेते हैं, यार इससे कुछ DIY करेंगे। तो उन्हीं सामानों में से कुछ मेरे पास ये डिस्पोजल बॉक्सेस रखे थे जो कि एक फूड के साथ आए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इनके साथ में कुछ नया क्रिएट किया जाए। तो मैंने दिवाली स्पेशल प्लांटर डेको DIY इनसे बनाए हैं, क्योंकि दिवाली में सब कुछ चमक दमक ही अच्छी लगती है, तो इसलिए मैंने इन्हें थोड़ा सा चमक दमक और वाइब्रेंट लुक ही दिया है। तो सबसे पहले मैंने इस पे रेड कलर कर लिया, ब्लैक कलर से कुछ ये मोज़ेक टाइल्स बनाई, थोड़ी लेस से सजा दिया, थोड़े मिरर से सजा दिया और बहुत आसानी से मेरा दिवाली स्पेशल डेकोर प्लांटर रेडी हो गया। चलते हैं दूसरे दिवाली प्लांटर की तरफ। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले इस पर ग्रीन कलर किया है। अब आप सोचेंगे होंगे कि मेरे को इस पर पहले वाइट कलर करना था, फिर उसके बाद ये कलर करना था। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, बट मेरे पास वाइट कलर ख़त्म हो गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसी कलर के दो कोट कर दिए जाए। तो इस तरीके से मैंने सेम कलर के दो कोट करके इसे रेडी कर लिया है। और इन बॉक्सेज में एक सबसे अच्छी बात थी कि इसमें नीचे ढक्कन भी था, तो इसे हम एज ए प्लेट प्लांटर की यूज़ करेंगे। अभी मैंने एक गोटा लिया है और इसके किनारे से बिल्कुल बारीक 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 इस तरीके से सलवटें डाल ली हैं सुई धागे की हेल्प से। और पूरा सलवटें डालने के बाद हम उस धागे को खींच देंगे और खींच के उसे एक सर्कल बना देंगे, बांध देंगे दोनों पॉइंट्स को, तो हमारा गोटे का एक फूल रेडी हो जाएगा। और बस इन्हीं फूलों से हमें ये जो हमने प्लांटर बनाना चाह रहे हैं इसे डेकोरेट करना है। ये देखिए बहुत आसानी से ये फ्लावर रेडी हो गया। और ये फ्लावर अगर हम मार्केट में लेने जाएंगे तो 5 रुपये से कम का एक फ्लावर नहीं मिलेगा। और ये देखिए मैंने कितनी आसानी से इसे घर में ही बना लिया। तो अब ये इस पे मैंने कुछ इस तरीके से डिज़ाइन बनाई, शाखाएँ बनाई और ये फ्लावर्स ऐड किए। जो बीच में सर्कल था उसमें रेड मोती ऐड किया। इस तरीके से एक और मेरा दिवाली स्पेशल प्लांटर रेडी हो गया। तो चलते हैं थर्ड DIY की तरफ। और मैंने इस वीडियो में एक ख़ास बात ये रखी है कि जितने भी DIYs मैंने करे हैं बहुत सिंपल करे हैं, विदाउट किसी मोल्डेड क्ले के यूज़ के और इन सब के, कि कोई भी बहुत आसानी से बना सके। क्योंकि दिवाली में एक्चुअली भी फीमेल्स के पास इतना काम होता है कि उनके लिए DIY बनाना उतना आसान नहीं होता, बट हाँ थोड़ा ईजी हो तो फिर भी हम एक बार सोच लेते हैं कि हाँ चलो ठीक है इसे बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले इस पर येलो कलर किया, रेड एक्रेलिक कलर से कुछ फ्लावर बनाए। अब जो सेंटर पार्ट है उसमें मैंने ये गोल्डन मोती ऐड कर दी है और इस तरीके से बहुत आसानी से मेरा एक और डेकोर DIY रेडी हो गया। अब चलते हैं फोर्थ DIY की तरफ। तो इसके लिए मैंने ये ऑरेंज कलर लिया है। मैंने ये जितने भी प्लांटर बनाए ये एकदम कलरफुल रखे हैं, क्योंकि दिवाली पे सब कुछ कलरफुल कलरफुल अच्छा लगता है। अभी जो फ्रूट्स के साथ में जो पैक आता है ना, ये बस वही है, उसे पेस्ट कर दिया
और ये जो भी बीच की स्पेस है उनमें मैंने मिरर लगा दिया, और जो ऊपर और नीचे का पार्ट है बॉक्स का उसे कवर करने के लिए उस पर थोड़ी सी लेस लगा देंगे, और बहुत आसानी से मेरा एक और डेकोर DIY रेडी हो जाएगा। तो ये वाले जो प्लांटर है इसे आप चाहे तो LCD यूनिट पे यूज़ कीजिए, और इन्हें हम सेंटर टेबल पर भी यूज़ कर सकते हैं। बिना रुके चलते हैं 4 DIY की तरफ, और इसके लिए मैंने एक वाइब्रेंट डार्क कलर लिया जो कि है ब्लू। वैसे मैं इससे ब्लू पॉटरी करना चाह रही थी, बट ब्लू पॉटरी के लिए जैसा कि मैंने आपको पहले बताया मेरे पास वाइट कलर ख़त्म हो गया था, तो मुझे जल्दी से जल्दी ये वीडियो कंप्लीट करना था, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ अलग ट्राई किया जाए। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा मेटलिक कलर लिया, उससे कुछ लीव्स बनाई और थोड़ा बहुत मिरर से सजा दिए, थोड़ा बहुत गोटे से सजा दिया, और मेरा एक और दिवाली स्पेशल डेकोर DIY प्लांटर रेडी हो गया। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं 3 बहुत डिफरेंट टाइप की रंगोली लेकर आने वाली हूँ, तो स्टे ट्यून्ड, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए बाय बाय।